संस्कार ब्रिज, इस ब्रिज का नाम है संस्कार ब्रिज। इतना वेल फील नहीं कर रहा हूँ, इनवेस्ट कारगिल यहाँ से और भी 130 किलोमीटर है भाई। इसे गला में डाल के तो कभी मैंने टेस्ट नहीं किया। हाई पासिस जो मैं रात का 7:30 बजे कंप्लीट कर रहा हूँ। आराम से जाना है भाई, आपका ज़्यादा प्रॉब्लम आओ ठीक है, चलिए आराम से। हाँ ठीक है। जय राम, जय श्री कृष्णा, चले। मेन मार्केट के सामने ही है जिस होटल पे हम लोग रुके थे, होटल गोल्डन। यहाँ का नजारा बहुत अलग है, ये पहाड़ पूरा पास पास में दिख रहा है अभी मुझे। लेफ्ट लेना, मैं आज ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि तबीयत उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है और मतलब चिल्ला नहीं पा रहा उतना ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा बोल नहीं रहा हूँ। संस्कार ब्रिज, इस ब्रिज का नाम है संस्कार ब्रिज, और ये देखो ये है संस्कार रिवर। यहाँ का पहाड़ चमक रहा है और स्ट्रक्चर ही बहुत अलग है। संगम देखा आपने पानी का कहीं पर? आपने दो पुल क्रॉस करे होंगे है ना, जो सबसे पहले वाला पुल था ना, जो आपने पहला पुल क्रॉस किया होगा। मना नहीं करते हैं तो वहाँ पे मनाली लिखा हुआ था, मैं देखा मनाली और दारचा उस सामने साइन बोर्ड में। अच्छा अच्छा, थैंक यू। अच्छा यार, पता नहीं कितना किलोमीटर आ गए एक्स्ट्रा हम लोग, पीछे जाना पड़ेगा। यहाँ पे यहाँ से नया रोड बन रहा, अभी तक बना नहीं। फालतू में जाएंगे, भैया बोल रहे से आए थे, यहाँ पे श्रीनगर ऐसे दिया हुआ है तो हम लोग ने सोचा कि ये रूट होगा। यार कितना किलोमीटर, 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला गया बेफालतू में, 30 किलोमीटर आधा घंटा वेस्ट हुआ। चुका है दुकान, पता नहीं। भैया चाय मिलेगा? चाय के यहाँ पे एक ग्रीन टी पी लिया और एक मैगी खा लिया, अभी थोड़ा बहुत तो ठीक लग रहा है लेकिन नॉट दैट, मतलब उतना वेल फील नहीं कर रहा हूँ। इनवेस्ट कारगिल यहाँ से और भी 130 किलोमीटर है, हो जाएगा आराम से कर लेंगे। अभी टाइम हो रहा है शायद 5:42, तो 7:30 बजे तक शायद करगिल पहुंच जाएंगे। देखते हैं कैसे क्या होता है, और आज ज़्यादा बात वगैरह नहीं कर रहा हूँ, समझ जाओ यार। और ड्रोन भी नहीं उड़ा सकता आज तो, क्योंकि कश्मीर के साइड में ड्रोन अभी अलाउड नहीं है, पर बैन कर दिया गया लास्ट में। कैरी करना भी ऐसे अलाउड नहीं है। तो पूरा मक्खन है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, मैक्स 3 आवर्स लगेगा। 6 तो बज रहे हैं, मैं 7 क्या बोल रहा था, 8-9 तो बज ही जाएगा कारगिल पहुँचते। देखते हैं कितना हो पाता है।
लद्दाख में घूमा, लेकिन ये रास्ता तो भाई सबसे अलग है, पूरा अलग है। स्ट्रक्चर जस्ट देखो, कितना सुंदर है यार। पता नहीं कैसा स्ट्रक्चर है, लेकिन कुछ तो लग रहा है। साहब सही है, सही है। मेरा नाक भी बंद हो गई है धूल मिट्टी की वजह से। कारगिल इज मोर 75 किलोमीटर, और यहाँ पे लिखा आ चुका है वेलकम टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी कारगिल। तो चलो चले यहाँ पे एक रील बनाने के लिए रुका था एक्चुअली में, एक फनी रील। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो यार फॉलो कर दो, फोटो और रील एंड स्टोरीज, डेली के स्टोरीज मिलते रहेंगे। एक्चुअली रास्ता पूरा अच्छा है, लेकिन लैंडस्लाइड की वजह से ऐसा हालत होकर रखता। अभी तो थोड़ा अच्छा ही फील कर रहा हूँ, लेकिन मेरा पूरा शक्ल का हुलिया पूरा बिगड़ गया है, और यहाँ पे भी कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि कारगिल, बचपन में मम्मी पापा से बस सुनता था कि कारगिल पे दंगा हुआ, ये हुआ, हुआ वो हुआ, टेररिस्ट अटैक किया, ये सब सुनता था मैं। और आज ये जगह एक्सप्लोर करने के लिए अपना बाइक से मैं आ चुका हूँ कारगिल पे। भाई दिस फीलिंग इज प्राउड, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, रियली आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड माई मॉम एंड डैड। उन लोगों का सपोर्ट के बिना कभी ये पॉसिबल नहीं होता। बस फिर से एक डर है कि कोरोना टेस्ट हो जाए और नेगेटिव आ जाए यार। बस भाई जैसे गला में डाल के तो कभी मैंने टेस्ट नहीं किया, हर समय आज किया ना, हाँ नाक से डालते थे, लेकिन ये वाला थोड़ा भयानक है, अजीब लगता है। बस भगवान भगवान। तो कारगिल एंटर करने के लिए ये कोविड टेस्ट का ज़रूरत पड़ता है, अभी हो चुका, नेगेटिव ही निकला। और यहाँ पे बस अभी जाके सभी का नेगेटिव है, यहाँ पे एंट्री करवाना है, आगे बढ़ना। और भी 50 किलोमीटर रह गया है यहाँ से कारगिल के लिए। 8225 हाई पासेस जो मैं रात का 7:30 बजे कंप्लीट कर रहा हूँ, वो है नामी काला, ऑल्टीट्यूड 12,198 फीट। चलो यहाँ पर लेट नहीं करेंगे और चलते हैं। एक 9 बजे कारगिल पहुँचे हम लोग। ये एक नया होम स्टे या होटल, पता नहीं मेरे को, रूम्स अवेलेबल हियर लिखा हुआ है, अर्जित गया है देखने के लिए। तो एज ऑलवेज कल रात को मैं व्लॉग एंड नहीं किया, और यहाँ पे हम एक दो रूम लेके कल रात को जल्दी जल्दी सो गए थे। आज अभी बज रहे 8:30, और यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है। इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड कर दूंगा। कल मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन था, क्योंकि हमारे लोकल न्यूज़ चैनल जो कि हेडलाइंस रिपोर्ट, वो अभी लोकल न्यूज़ चैनल नहीं है, ऑल इंडिया में टाटा स्काई वगैरह में भी देखने को मिलता है, वहाँ पे मेरा जो मैं जो टूर पे निकला वो चीज़ शेयर किया गया है।
रियली आई एम सो हैप्पी. वो मैं खुद देख नहीं पा रहा हूँ वो वीडियो, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है. यहाँ घर पे भी अच्छे से कॉल करके बात नहीं कर पा रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है. सो या एनीवेज एनीथिंग, इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करता हूँ, क्योंकि अभी नेक्स्ट ब्लॉग शुरू करना है. अभी हम लोग निकल जाएंगे. ऑलरेडी कल सैडल बैग वगैरह कुछ खोले नहीं थे, हम लोग ऐसे एक ही ड्रेस पे हम लोग रह रहे हैं. आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो. फिर मिलते हैं और नए वीडियो में. टिल देन बी द मेडिसिन नॉट पेन. चलो.